सो हे गाइस, वेलकम बैक अगेन टू अनदर न्यू वीडियो। और बिल्कुल एक नए वीडियो के साथ मैं वापस आ चुका हूँ। और इस वाले वीडियो के लिए थोड़ा टाइम लगा है क्योंकि मुझे थोड़ा स्टैट्स वगैरह जमा करना पड़ा। इसमें जो है हम कुछ ऐसे प्लेयर्स देखने वाले, मैंने पहले भी काफ़ी वीडियोस बना चुका हूँ जिसमें टॉप 10 प्लेयर्स हमने देखा है वॉर स्टार्स के अकॉर्डिंग, ट्रॉफीज़ के अकॉर्डिंग, लोकल और इंटरनेशनल, ऐसे अलग अलग वीडियोज़ आपको पहले देखने को मिल जाएंगे। पर इस वाले वीडियो में जो है सारे प्लेयर्स मिक्स है जिन्होंने काफ़ी सारा टाइम दिया है। कुछ रेयर अचीवमेंट्स हम इस वाले वीडियो में देखने वाले हैं। 7 ऐसे प्लेयर्स जिन्होंने किसी का स्टार्स ज़्यादा है, किसी का एक्सपी ज़्यादा है, तो आपको ये वीडियो में पता चलेगा। सो चलो देखते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं हमारे लिस्ट के फर्स्ट प्लेयर से, जो कि है एक टाउन हॉल 10। और उसका टैग जो है वो पहले हम विजिट करेंगे, देन उसके प्रोफाइल में जो उसका अचीवमेंट है वो हम देखेंगे। और उसके बाद आपको एक बहुत ही अनयूजुअल चीज़ पता चलेगी जो पॉसिबल ही नहीं है इस गेम में, तो लेकिन इसने जो है कैसे ना कैसे कुछ तो कर रखा है। प्लस इसको जो है सुपर सेल वगैरह या तो उनके नज़र में नहीं है, वरना वो कब का इसको बैन वगैरह कर देते। बट देख सकते हो उसका जो है टाउन हॉल 4 है, सब कुछ सही लग रहा है। टाउन हॉल 4 है, प्रोफाइल जैसा रहना चाहिए वैसा दिख रहा है। बेस में भी कुछ ऐसा नहीं है कि इसके स्टोरेजेस वगैरह नहीं है या बैरिक्स ही नहीं है, सब कुछ नॉर्मल है। 2 कैनन है, 1 आर्चर टावर है। बट इसके प्रोफाइल में जो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है वो है यहाँ पे गेम्स चैम्पियन। आपको पता है टाउन हॉल 4 तो क्लैन गेम्स खेल ही नहीं सकता पहली बात। उसके बाद अगर खेल भी लिया तो हाईएस्ट जो है सेकंड हाईएस्ट नंबर 1 पे शो करेगा आपको क्लैश ऑफ स्टैट्स में अगर आप चाहोगे तो। बट जो नंबर 2 का प्लेयर है उसके क्लैन गेम पॉइंट से 385,000 विच इज़ 385K। एंड इसके जो क्लैन गेम्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं अप्रॉक्स 4.4 मिलियन, मतलब नंबर 2 जो है उससे लगभग 10 गुना से भी ज़्यादा इसका पॉइंट्स है, विच इज़ पॉसिबल नहीं है भाई, पॉसिबल ही नहीं है चीज़। तो कैसे इसने क्या किया अभी तक मुझे कहीं भी, मैंने हर जगह देखा सर्च करने का, कहीं इसके बारे में कोई वीडियो बना हुआ है, कहीं किसी जो सुपर सेल के फॉरम्स वगैरह रहते वहाँ पे कुछ नहीं मिला मुझे इसके बारे में स्पेसिफिक। तो यही है कि ये किसी के नज़र में नहीं है, प्लस इसके ऊपर जो है किसी ने वीडियो अभी तक कवर नहीं किया या फिर रिसेंट ही जो भी इसने किया है किया रहेगा। लेकिन यहाँ पे जो है ये बिल्कुल भी फेयर नहीं है एंड ए पॉसिबल ही नहीं है। आपको यहाँ पे देख रहे हो, मैंने भी क्लैन गेम सारे ही खेले हैं लगभग, मैंने मिस नहीं किया है। और मैं आपको जो है मेरा मेन आईडी दिखाता हूँ। तो मेरे अगर यहाँ पे मैं जाता हूँ गेम्स चैम्पियन में, यह कहाँ पे मेरा, अरे कहाँ चला गया है गेम चैम्पियन मेरा, यहाँ पे देख सकते हो 2 लाख जो है 9,000 कुछ है मेरा। तो देख लो, मतलब पॉसिबल ही नहीं है। और मेरा मेन आईडी है तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स मैंने क्लैन गेम्स वगैरह खेला है। और स्टार्टिंग से तो जब आया था तब तो मेरा आईडी मैक्स भी नहीं था, तो मैं भी रेगुलर ही खेल रहा था। तो मेरे से भाई 20 गुना ज़्यादा इससे जो नंबर सेकेंड रैंक पे है उससे 10 गुना ज़्यादा। तो जो है इसका भाई आप कुछ कर सकते हो, लाइक सुपर सेल वगैरह को ट्विटर वगैरह पे टैग करके कुछ भी करके, मुझे नहीं पता भाई जो भी है, लेकिन ये फेयर नहीं है। तो आई थिंक हम कुछ करें या ना करें सुपर सेल जरूर नज़र में आएगा, तो जल्दी ही बेचारे को बैन दे देंगे। बट ये चीज़ जो है अपने को प्रूफ करता है कि भाई सुपर सेल के सिस्टम के साथ भी जो है कुछ लोग खेल सकते हैं यहाँ पे, और ये इस प्लेयर ने वही किया है। चलिए लिस्ट में चलते हैं सेकंड प्लेयर की तरफ। ये हो गया हमारे लिस्ट का फर्स्ट प्लेयर और काफ़ी लंबा हो गया फर्स्ट वाला ही, सो लेट्स गो। सो गाइज, द टैग ऑफ सेकंड प्लेयर ऑन माई लिस्ट यहाँ पे जो है वो है YV, उसके बाद है JG, देन 0R, उसके बाद है Q9 और लास्ट में फिर से Q। तो ये है शुभांशु टाउन हॉल 1। एंड ये जो है एक टाउन हॉल 1 है। एंड अगर आप प्रोफाइल पे इसके वॉर स्टार्स देखोगे तो 2145 वॉर स्टार्स है टाउन हॉल 1। मेरे पास जो है पर्सनली TH2 से लेके 14 तक आईडी है, पर TH1 जो है मेरे पास भी नहीं है। तो मुझे नहीं पता TH1 कैसे बनता है या किस वक्त पे बनाना चाहिए, लेकिन जो है मैं भी जरूर ट्राई करूँगा TH1 बनाने का,
क्योंकि वही मेरे पास एक आईडी जो है वो नहीं है, बट दिस गाय यहाँ पे देख सकते हो, मैं जानता हूँ, मेरा फ्रेंड भी है। तो इंडिया में नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड नंबर वन टाउनल वन है वॉर स्टार्स के मामले में। प्लस यही प्लेयर जो है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड नंबर टू है कम जो एक्सपीज रहता है अपना उसमें भी, ठीक है। नंबर वन पे जो है इस प्लेयर के बाद जो है नंबर वन वाले का विजिट करेंगे जिसका टाउनल वन पे सबसे ज़्यादा एक्सपी है। तो दिस गाय नंबर टू जो आज का अपना प्लेयर है, नंबर थर्ड पे चलते हैं, अब देखते कौन है। ओके गाइस, नंबर थर्ड वाले को आप सब जानते हो, आप सब ने कभी ना कभी इसका जो है नाम सुना ही रहेगा। तो इसका टैग सर्च कर लेते हैं, देन आपको याद आ जाएगा वो, क्योंकि ये प्लेयर जो है काफ़ी फेमस इसलिए है क्योंकि ये टाउनल वन काफ़ी पहले से, उस टाइम पे जो है टाउनल वन दिखना ही बहुत ज़्यादा रेयर था और इंस्टाग्राम वगैरह पे इसके बहुत सारे फॉलोअर्स बहुत पहले से थे एंड लाइक्स वगैरह भी बहुत ज़्यादा जाते थे, अभी भी जो है उसके है। और उसका नाम है टाउन हैक वन, एंड इस प्लेयर का जो है टाउनल वन पे एक्सपी है 217, ठीक है। जो इसके पहले वाला प्लेयर मैंने दिखाया सुभांशु, उसका जो है 135 एक्सपी है, जो ऑल ओवर द वर्ल्ड नंबर टू है एक्सपीज में, इसका 217 है। नंबर वन प्लेयर एक्सपीज के मामले में टाउनल वन पे, और वॉर स्टार्स इसके 212 ही है। वॉर स्टार्स जो है यहाँ पे इसने सीसी तो बिल्ड कर रखा है, बट शायद उसने पहले से वॉर्स वगैरह नहीं किए तो इसके वॉर स्टार्स कम है। और शुभांशु जो है इंडिया का प्लेयर है, ऑल ओवर द वर्ल्ड नंबर वन है वॉर स्टार्स के मामले में, ठीक है। थर्ड प्लेयर था आज का, चलिए देखते हैं फोर्थ प्लेयर कौन है हमारे लिस्ट पे। ओके गाइस, सो जो हमारा नेक्स्ट प्लेयर है वो होने वाला है टाउनल टू प्लेयर। दो टाउनल वन आपने देखा, जो कि भाई जितना भी आप बोलना चाहो उनके लिए कम होगा उनके एफर्ट्स के लिए। तो अब देखते हैं जो इस टाउनल टू ने क्या किया है। उसका टैग यहाँ पे जे पी के बाद YV, उसके बाद है जे और 8, तो ये है टाउनल टू का टैग। और इसका जो नाम है वो है जस्ट अ लिटिल गोल्ड, और टाउनल टू है, एक्सपी 100 है जो काफ़ी सही है। उसके बाद वॉर स्टार्स 4589 है, एंड उससे भी ज़्यादा सही चीज़ यहाँ पे मुझे ट्रॉफीज़ लगा, क्योंकि अभी जो है ट्रॉफी पुश करना मुझे पता है यार, मैंने कोशिश किया था TS2 पे पुश करने का, ज़्यादा कुछ कर नहीं पाया। मैं फिर से ट्राई करूँगा जब थोड़ा टाइम मिलेगा, बट 2200 तक इसने पुश कर रखा है, जो कि है क्रिस्टल 2 तक, देख सकते हो। बहुत ही सही प्रोफाइल है इस TS2 प्लेयर का, एंड बेस्ट इन द वर्ल्ड है भाई वॉर स्टार्स के मामले में प्लेयर, तो रहेगा ही भाई वैसा प्रोफाइल। ये जो बंदा है आई थिंक ये फोर्थ प्लेयर है अपना, और इसी का एक और आईडी है जो यहाँ पे मैंने लिस्ट में तो ऐड नहीं किया, बट मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। टाउनल 4 है, नंबर वन है वॉर स्टार्स के मामले में ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये भी जो इसका ही टाउनल 4 है। तो दो वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम प्लेयर करके बैठा है, वही यहाँ पे देख सकते हो वॉर स्टार्स भी लगा रखा है 5177, तो बढ़ चुका है शायद इसने इस वॉर में एक स्टार मिस कर दिया, क्योंकि 5183 हो जाता तो एक स्टार का नुकसान हो गया। एंड अगर TS2 में देखेंगे तो करंटली है 4, इसमें 6 स्टार्स उसने ले लिया। हो सकता है TS2 में स्टार्स लेने के लिए जो है TS4 में नुकसान किया रहेगा उस प्लेयर ने, ऐसा भी हो सकता है। तो चलते हैं अब लिस्ट में आगे और देखते हैं नेक्स्ट प्लेयर कौन है। ओके फ्रेंड्स, तो ये जो प्लेयर है नेक्स्ट वाला, उसका प्रोफाइल देख के और जो उसने भाई अचीव कर रखा है वो देख के मेरा दिमाग घूम गया था पूरा। तो मेरा वॉर स्टार्स देख लो 3000 है, एंड ए प्लेयर टाउनल 3 होने वाला है जिसका टैग है यहाँ पे VLV देन 8G और लास्ट में 222। तो काफ़ी सिंपल सा टैग है, नाम है एप्सिसो, और ये जो प्लेयर है जर्मनी का है, क्योंकि यहाँ पे क्लैन लोकेशन से आपको पता चल सकता है। बाकी यहाँ पे अगर देखेंगे तो आपने देख लिया होगा अभी तक, मतलब वो दिख ही जाएगा भाई, जो वॉर स्टार्स है 7392 टाउनल 3 पे इतने सारे वॉर स्टार्स। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो भाई मैंने ये भी देखा था लास्ट टाइम, यस हेलोवीन हेडस्टोन भाई किस ईयर में आया था, और ये तो शायद 2014 का है। चलो 2014 से भी अगर ये खेल रहा है और लगातार वॉर्स कर रहा है, समझ लो लगातार कर रहा है, तभी ही इतने वॉर स्टार्स हुए उसके 14 से लेके 22 तक।
आठ साल से ये जो है टाउन हॉल थ्री पे वो नॉन स्टॉप वॉर्स कर रहा है, तो बहुत लंबी प्लानिंग है भाई। मतलब अब यहाँ से आप इसके इसका जो है वॉर स्टार्स बीट करने के लिए कोशिश करोगे भाई, तो आपको 2030 तक जाना पड़ेगा खेलते हुए। तो हम लोगों को, आधे से ज़्यादा लोगों को पता भी नहीं है 2030 तक ये गेम का क्या होगा, गेम का छोड़ो हमारा ही नहीं पता है। तो बहुत बड़ी बात है ये, मेरे लिए जो है सबसे बेस्ट है आज के लिस्ट में का प्लेयर, एंड डेफिनेटली जो अपने इंडिया से एक प्लेयर है TH1 पे, तो ऑलवेज भाई इंडियन प्लेयर जो वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्ड कर रहे हो तो बेस्ट रहेंगी। बट ये जो है इसका, इसके एफर्ट्स का भाई कुछ अपन इनह्यूमन ही बोल सकते हो भाई, मैं इसको और क्या बोलूँ। 7,300 देख सकते हो 92 जो ऑलस्टार इसने कर रखे हैं, लगभग यहाँ पे 7,500 भी हो जाएगा कुछ और वॉर्स करेगा तो बहुत ज़्यादा है भाई। ये था लिस्ट का 6th प्लेयर, एंड मैं सोचा था इसको लास्ट पर रखूँ बट मैंने गलती से विजिट कर दिया। कोई बात नहीं, देखते लास्ट प्लेयर कौन है आज के लिस्ट का। ओके गाइस, ये जो प्लेयर है वो आज का आखिरी प्लेयर होने वाला है, तो उसका टैग जो है वो मैं अभी फटाफट सर्च कर लेता हूँ, PR देन है Y2, उसके बाद है LJ देन 00 और लास्ट में Y। ओके, तो एक टाउन हॉल 6 का प्लेयर है और देख सकते हो यहाँ पे काफ़ी ब्यूटीफुल सा बेस उसने अपना बना रखा है टाउन हॉल 6 से। और ये जो है अपन सबको पता है, मुझे नहीं पता, पर यस जो क्रोम पे आता है जब अपना नेट नहीं चलता है वही है वो। तो उसके बाद जो है इस प्लेयर का आप प्रोफाइल देख सकते हो, देखते ही आपको पता चल जाएगा कि मैंने इसको क्यों जो है विजिट किया है यहाँ पे। तो वो है XP's टाउन 6 से 360 जो XP है ये प्लेयर है और वर्ल्ड में नंबर 1 रैंक पे है। प्लस सिर्फ XP's नहीं है, वॉर स्टार्स भी आप देख सकते हो काफ़ी सही है 3,875। बस वो ट्रॉफी पुश वगैरह कर ले, लेजेंड कर ले तो भाई फिर बहुत सही हो जाएगा। मतलब TH6 से आजकल लेजेंड काफ़ी लोग कर रहे हैं तो पॉसिबल है, एंड इस प्लेयर ने वो ट्राई नहीं किया है। बट भाई जो है उसने मेन चीज़ है ना कि प्लेयर्स अपना पूरा टाइम एक तरह से पूरा जो भी बहुत सारा टाइम डेडिकेट करते हैं अपना लाइफ का बहुत बड़ा टाइम डेडिकेट करते एक तरह से, क्योंकि 360 XP's एक तो ये नहीं है कि वो ID किसी और को शेयर करके या ऐसा कुछ करके डोनेशन दे सकता है, बिकॉज सबके नज़र में वो नंबर 1 पे वर्ल्ड रैंक में, तो उसको खुद से ही डोनेशन देना है। सुबह से सब गोल सेट करके जो है लगातार डोनेशन करते रहते हैं, और पता नहीं इस प्लेयर का गोल क्या होगा। 360 तक तो जा चुका है भाई ऑलरेडी, एंड नो आइडिया भाई, क्योंकि अभी भी वो सारा डोनेशन वगैरह कर रहा है, क्लैनलेस रहते हैं लोग तो इधर उधर घूम के डोनेशन करते रहते हैं। बाकी अगर इसका ऑल टाइम जो है डोनेशन है हम यहाँ पे देखेंगे, फ्रेंड इन नीड लगभग 9 मिलियन है, 894K, ठीक है। यहाँ पे भाई इसको जो है 55,000 और लगेगा फिर 9 मिलियन हो जाएगा भाई, और इसने भी ले रखा है देख सकते हो चैम्पियन स्टैचू वगैरह। लेकिन ये लास्ट प्लेयर नहीं होने वाला है लिस्ट का, इसका 2 टैग और विजिट करेंगे हम, क्योंकि वो भी भाई काफ़ी स्पेशल प्लेयर्स है, ठीक है। ओके गाइस, तो 2 एक्स्ट्रा प्लेयर्स उसमें से फर्स्ट का टैग है, मैं जल्दी जल्दी करूँगा, एकदम जल्द से जल्द जो है इनको सर्च करूँगा। यहाँ पर जो उनका टैग है वो है 9 देन J 8 2, उसके बाद है V 9, इसके बाद है LA 8 और लास्ट में J। तो ये जो प्लेयर है वो है टाउन हॉल 5 और इसने भी जो है सीनरी ले रखा है TH5 में, आप रेयरली देखते रहोगे, बट जैसे मैंने बोला है प्लेयर्स बहुत सारा टाइम डेडिकेट करते हैं एंड बहुत ज़्यादा ही टाइम लगता है यहाँ तक आने के लिए, एंड काफ़ी चीज़ जो है देख के मुझे बुरा लगता है। मैंने पर्सनली देखा हुआ है TH7 एक था जिसका XP अच्छा खासा था, उसने काफ़ी सारे डेकोरेशंस वगैरह लगा रखे थे, और उस वैसे काफ़ी सारे प्लेयर्स होते हैं जिनका ID फिक्स वगैरह हो जाता है, तो वो चीज़ जो है ना बंद हो जाए तो काफ़ी मज़ा आएगा। वो चीज़ की वजह से गेम बहुत हद तक बर्बाद हुआ है एक तरह से, बहुत जो ऐसे ऐसे प्लेयर्स रहते हैं उनके साथ भी होता है और वो गेम छोड़ के चले जाते हैं,
क्योंकि सुपरसेल बोलता है कि उसने कुछ अनफेयर किया है जो वो किया नहीं रहता है, और उनके सिस्टम में जो वीकनेस है वो कभी नहीं मानेंगे। तो देखते हैं यार, अभी ये सब चीज़ चलता रहेगा और ये प्लेयर्स जो है ये सब चीज़ फेस करते रहेंगे। बट लेट्स होप कि ये जो प्लेयर्स है वो और ऊपर जाए, काफ़ी अच्छा लगता है देख के। 332 XP है और ये टाउन 5 का प्लेयर है, और लास्ट वाला जो है मैं आपको भी दिखाता हूँ। ओके गाइस, सो वीडियो एंड करने से पहले आखिरी प्लेयर, आखिरी टैग, बट उससे पहले आप मेरा जो एक्सपीरियंस लेवल है वो देख सकते हो, 291 है। और ये जो प्लेयर का टैग मैं सर्च करने वाला हूँ वो एक टाउन हॉल 3 है, तो उसका टैग यहाँ पे Q0 देन 8, उसके बाद है RV8, लास्ट में PJL। तो ये है टाउन हॉल 3 है, XP देख सकते हो आप 309 है, मेरे से भी 18 लेवल ज़्यादा है इस प्लेयर का। और इसने जो डोनेशन कर रखा है वहाँ पे वो है 4.3 मिलियन ट्रूफ्स, तो मेरे से 4 गुना से भी ज़्यादा आई थिंक। तो 309 XP, वॉर स्टार्स भी काफ़ी है, और TH3 से 3394 तक जा चुका है। तो क्या ये आई थिंक ये TH3 से वर्ल्ड रिकॉर्ड हो सकता है ट्रॉफीज़ के मामले में भी। देख लो, मैं जो भी XP लेवल के प्लेयर्स आपको अभी दिखाया इससे पहले वाला, वो सारे वर्ल्ड में रैंक 1 पे है, ठीक है, उनके एक्सपीरियंस लेवल के हिसाब से, उनके टाउन हॉल पे, ठीक है, उनके टाउन हॉल पे। ऊपर वाले टाउन हॉल से मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूँ उनको, क्योंकि जो उस लेवल पे वो कर चुके हैं वो नेक्स्ट लेवल है, ठीक है। और ये देख सकते हो यहाँ पे उसने ये भी ले रखा है भाई, फायरवर्क फैन बॉय। तो आई थिंक आज के वीडियो के लिए इतना ही काफ़ी है गाइस, इसी प्लेयर के साथ जो है हम ये वीडियो एंड करना चाहेंगे यहाँ पे। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा रहेगा, थोड़ा सा आपको लगा रहेगा कि यस ये सब प्लेयर्स हमें नहीं पता थे एंड फाइनली मैंने कुछ जो है एक्सप्लोर कर लिया है इस वीडियो से, तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके जाना और अपने फ्रेंड्स को भी ये वीडियो शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वन, मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर एंड बाय बाय एवरीवन। My name, that my money, rain, no pain, no gain.